टोयोटा की लैंड क्रूजर, लैंड रोवर की डिफेंडर, मर्सिडीज की जी वैगन और मित्सुबिशी की पजेरो, ये वो रियल एसयूवीज हैं जो दुनिया के अंदर जो एक कल्ट बनी चुकी हैं, पर इंडिया के अंदर भी इन पर खूब चर्चा होती है। पर एक और ऐसी हार्डकोर रियल एसयूवी है जिसके बारे में दुनिया तो बहुत बात करती है, लेकिन इंडिया में उसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। मैं यहाँ पर सऊदी के शेखों की फेवरेट निसान पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, और मेरा मानना यह है कि शायद से इसके दीवाने भारत के अंदर सबसे ज़्यादा होने चाहिए थे, क्योंकि ये वो गाड़ी है जिसने हमारी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर लगभग 30 सालों तक अपनी ड्यूटीज निभाई हैं, और इसने भारत को 1971 की इंडो पाक वॉर जिताने में भी एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। ये वीडियो डेडिकेटेड है उस कल्ट को जिसने राख हुए जापान में जन्म लिया, भारत की सेना में अपना योगदान दिया, और आज दुनिया को सिखा रही है कि एक असली ऑफरोडर आखिरकार दिखती कैसी है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अपनी कमर की पेटियां बांध लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और सबसे पहले चलो वर्ल्ड वॉर टू के रुइंस में पड़े जापान में। जब जापान पर वर्ल्ड वॉर टू के दौरान हमला हुआ तो पूरा का पूरा देश तबाही की कगार पर आ खड़ा हुआ था। कई शहरों के अंदर बॉम्ब्स की वजह से सड़कें खत्म हो चुकी थी और इन पर नॉर्मल गाड़ियों को चलाया जाना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। और ऐसे में जापानीज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास जो पुरानी व्हीली जीप्स थी वो कम पड़ने लगी, और ऐसे में उन्होंने सोचा क्यों ना अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से रिक्वेस्ट करके अपनी खुद की 4x4 गाड़ियां बनाई जाए जापान के अंदर ही। इससे जापानीज आर्मी को भी अच्छी गाड़ियां मिल पाएगी जिनकी कमी चल रही थी, और जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसको भी बूस्ट मिलेगा। और इसीलिए टोयोटा, मित्सुबिशी और निसान तीनों ने अपनी कमर कस ली और बना दी अपनी अपनी ऑफरोडर्स। हेंस वाज बॉर्न टोयोटा लैंड क्रूजर इन 1951। उसके बाद मित्सुबिशी ने अपनी जे सीरीज की जीप निकाली और निसान ने बनाई 4W60 सीरीज। मगर अनफॉर्चुनेटली ये कॉन्ट्रैक्ट टोयोटा जीत गई, यानी कि टोयोटा की लैंड क्रूजर बनी जापान की आर्मी की पहली पसंद, और जो निसान थी उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया। लेकिन निसान ने इससे हार नहीं मानी। उन्होंने आर्मी का कॉन्ट्रैक्ट हारने के बाद अपनी 4-व्हील ड्राइव यूटिलिटी व्हीकल को पब्लिक के लिए उतार दिया, और इस कड़ी में निसान ने अपनी सबसे पहली गाड़ी 1951 में लॉन्च करी जिसका नाम रखा गया 4W60, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ये एक प्रॉपर रॉ 4x4 गाड़ी थी जिसे सिर्फ एक काम के लिए बनाया गया था, यानी कि अनपेव्ड रास्तों पर चलाए जाने के लिए, और इसीलिए इस गाड़ी का जो राइड कंफर्ट था वो बहुत ही ज़्यादा खराब था, एंड एज एक्सपेक्टेड लोगों ने इसे उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए निसान ने 1955 में इसका एक नया वर्जन लॉन्च किया जिसका नाम था 4W61। फिर अगेन 1958 में इस गाड़ी का एक नया वर्जन आया 4W65 के नाम से, लेकिन इस बार निसान ने इस गाड़ी के अंदर बहुत ही बड़े बदलाव किए थे। हाँ, उन्होंने इस गाड़ी के अंदर कुछ स्टाइलिंग और इंजीनियरिंग रिलेटेड चेंजेस तो करे थे, लेकिन जो सबसे बड़ा काम उन्होंने किया था ना वो था इस गाड़ी को एक नया नाम देना। अभी तक निसान की ये गाड़ी अल्फा न्यूमेरिक नामों के साथ आ रही थी, पर अब निसान ने इस गाड़ी को वो नाम दे दिया था जिसे आज के अरब सुन के खुशी से झूम उठते हैं, यानी कि पेट्रोल। और इस पेट्रोल का मतलब वो डायनासोर फ्यूल से नहीं है, बल्कि इस पेट्रोल का मतलब है गश्त लगाना। अच्छा, जब अर्ली 50s में निसान ने 60 सीरीज की शुरुआत करी थी ना, तभी उनकी 70 सीरीज भी मार्केट के अंदर आ गई थी, जो कि डॉज की M37 पर बेस्ड थी और एक आर्मी ट्रूप कैरियर थी, लेकिन इसके अंदर जो इंजन लगा हुआ था ना वो वही 60 सीरीज वाला लगा हुआ। 70 सीरीज के अंदर भी निसान ने लगभग 3 गाड़ियां लॉन्च करी थी। पहली थी 4W70, दूसरी थी 4W72 और तीसरी थी 4W73, जिसमें की जो 4W73 थी ये वाली गाड़ी 1959 में लॉन्च करी गई थी, और यही 1959 ही वो साल था जिसके अंदर की 60 सीरीज की सेकंड जनरेशन भी आई थी। अब इन दोनों गाड़ियों को ध्यान से देखो, यानी कि 60 सीरीज की सेकंड जनरेशन को और 4W73 को, आपको ऐसा लगेगा कि आपने शायद से ये गाड़ियाँ पहले कहीं ना कहीं देखी हैं। वेल, अगर आपने ये पहले देखी हैं तो इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये वो गाड़ियाँ हैं जिन्होंने इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर 1969 से लेकर 1999 तक अपनी सर्विसेज दी थी। दरअसल जब 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में जंग छिड़ी थी, और जब भारत ने इस जंग के परिणाम देखे तो भारत की सेना को ये समझ में आया कि उन्हें अपनी एक खुद की जीप प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, जिसकी मदद से भारत की सेना भारत के सबसे ऊंचे और सबसे मुश्किल टेरेन्स पर अपने सैनिक और सामान को ले जा सके। अब यही सोचकर हमारी सेना लगी ऐसे यूटिलिटी व्हीकल को ढूंढने, और उनकी नज़र पड़ी निसान पेट्रोल पर, जिसने 60 के दशक के शुरुआती सालों में कुछ ऐसा करके दिखाया था जो पहले कोई और गाड़ी नहीं कर पाई थी। दरअसल पेट्रोल की 60 सीरीज की जो जनरेशन 2 थी वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी लॉन्च हुई थी, और 1962 में ऑस्ट्रेलिया के एक जियोलॉजिस्ट रेक स्प्रिग ने ये डिसाइड किया कि वो इस गाड़ी को लेकर ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक सिम्पसन डेजर्ट को क्रॉस करेंगे, और उन्होंने ऐसा करके भी दिखा दिया। सिम्पसन डेजर्ट क्रॉस करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। इस डेजर्ट में बड़े बड़े पैरेलल ड्यून्स हैं जो कि 200 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा पैरेलल ड्यून्स वाला एक डेजर्ट बना देते हैं, जो कि 68,150 स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है और ऑस्ट्रेलिया के 3 स्टेट्स को कवर करता है। ये एक ऐसा डेजर्ट था जिसको गाड़ी से पार करने के बारे में अभी तक किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन निसान ने ये 12 दिनों के अंदर करके दिखा दिया, जिससे इसकी रिलायबिलिटी और कैपेबिलिटी जग जाहिर हो गई। और मेरा मानना ये है कि कई रीजंस में से ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होगा जिसके चलते हमारी इंडियन आर्म फोर्सेज ने इसको सेना में ऐड करने के लिए ऑप्ट किया। अब इसी चलते इंडियन आर्मी ने निसान से इस गाड़ी को बनाने का लाइसेंस रिक्वायर किया,
और इसका नाम पड़ गया जोंगा, जिसकी फुल फॉर्म है जबलपुर ऑर्डिनेंस एंड गन कैरिज असेंबली। हाँ, इसके नाम से ही समझ में आता है कि ये गाड़ी कहाँ बनाई जाती थी। पहली 3500 गाड़ियां जपान से इंपोर्ट करी गई थी, पर बाद में सभी गाड़ियां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर ही असेंबल की जाने लगी। और 1969 वो साल था जब इसे आर्मी के अंदर इंडक्ट किया गया। अब जो 4W73 थी, जिसे 1 टन भी बोला जाता था, वो तो एक ट्रूप कैरियर थी और सामान वगैरह ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। पर P60 को, यानी कि पेट्रोल 60 को, फ्रंट लाइन पर भी यूज किया जाता था इस पर एंटी टैंक गन्स माउंट करके। एंड एक्चुअली निसान जोंगा P60 तो वो गाड़ी है जिसे भारत को 1971 की इंडो पाक वॉर जिताने का एक क्रेडिट दिया जाता है। दरअसल 4 दिसंबर 1971 की आधी रात में पाकिस्तान के कमांडेंट बाय ब्रिगेडियर तारिक मीर ने 2800 सोल्जर्स के 2 टैंक बटालियंस को लेकर भारत की लोंगे वाला पोस्ट पर हमला कर दिया था। इस अटैक के अंदर 65 टैंक्स, 138 मिलिट्री व्हीकल्स, 5 फील्ड गन्स और 3 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी शामिल थी। अब जहां इस सरप्राइज अटैक के अंदर पाकिस्तान की सेना इतना बड़ा लाभ लश्कर लेकर इंडिया की तरफ बढ़ी थी, वहीं हमारी तरफ के लोंगेवाला पोस्ट पर पंजाब रेजिमेंट के सिर्फ 120 सैनिक तैनात थे और सिर्फ एक जोंगा थी जिस पर M40 एंटी टैंक गन माउंट थी। अब क्योंकि पाकिस्तान ने रात के वक्त एकदम से अटैक किया था, तो हमारे सोल्जर्स को ना इसकी वजह से एंटी टैंक माइंस बिछाने का मौका नहीं मिल पाया था और ना ही रात के समय एयर सपोर्ट मिल सकता था, क्योंकि जो हमारे उस टाइम के एयरक्राफ्ट थे वो रात में उड़ने के लिए कैपेबल नहीं थे। इसीलिए हमारे 120 जवानों ने पूरी रात पाकिस्तान की फौज का डटकर सामना करने का निर्णय लिया और उन्हें उसी पोस्ट पर रोक कर रखा अपनी बंदूकों के सहारे और सिर्फ एक जोंगा की मदद से। इस गाड़ी ने उस रात पाकिस्तान के कई टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया और पाकिस्तान की फौज को रोक कर रखा जब तक ये खुद डिस्ट्रॉय नहीं हो गई और जब तक अगली सुबह इंडियन एयरफोर्स के हॉकर हंटर फाइटर्स ने पाकिस्तान की आर्मी को पूरी तरीके से निस्तनाबूद नहीं कर दिया। अब ये तो एक बहुत बड़ा किस्सा था जो कि जोंगा से जुड़ा हुआ था, पर निसान की इन दोनों गाड़ियों ने हमारी सेना के अंदर 1999 तक ड्यूटीज निभाई थी और इन्हें हमारी फोर्सेस ने कई मिशंस के अंदर इस्तेमाल किया था। लेकिन अगर बाकी दुनिया की बात करें तो 1999 तक ये गाड़ी ऐसी नहीं दिखाई देती थी, बल्कि कुछ ऐसी दिखने लगी थी, क्योंकि 1980 के अंदर ही इस गाड़ी का 3rd जनरेशन लॉन्च हो गया था और अब ये गाड़ी एक रूडामेंट्री गाड़ी से ज़्यादा एक अप मार्केट फैमिली SUV दिखाई देने लगी थी। 1986 में 3rd जनरेशन का एक फेसलिफ्ट आया जो कि रिफाइनमेंट और यूटिलिटी दोनों के अंदर ही एक प्रोग्रेशन था। लेकिन जब 1988 में पेट्रोल की 4th जनरेशन लॉन्च हुई तो यहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदली, क्योंकि ये जो 4th जनरेशन थी पेट्रोल की, ये अब और भी ज़्यादा लग्जूरियस हो गई थी। पर इस गाड़ी के अंदर जो सबसे बड़ा बदलाव आया था ना, वो था इसका इंजन। अब इस गाड़ी के अंदर एक 4.2 लीटर का बड़ा इनलाइन 6 पेट्रोल इंजन आने लगा था और 1997 में 5th जनरेशन के साथ इस इंजन का साइज और भी ज़्यादा बड़ा हो गया। 5th जनरेशन पेट्रोल के हुड के अंदर एक 4.8 लीटर का इनलाइन 6 डीजल मिलता था और एक 4.2 लीटर का इनलाइन 6 पेट्रोल इंजन मिलता था। और खासकर अगर मैं इस गाड़ी के पेट्रोल इंजन की बात करूं, जिसे TB48DE बोला जाता है, तो ये जो इंजन है ना, इसे हाईली ट्यूनेबल इंजन माना जाता है। ये इंजन अपने स्टॉक फॉर्म में तो सिर्फ 248 BHP ही प्रोड्यूस करता था, लेकिन पाया ये गया कि ये इंजन इतना ज़्यादा ट्यूनर फ्रेंडली है कि इससे 2000 हॉर्स पावर तक प्रोड्यूस की जा सकती है। और अगर आपने पुराने ग्रैंड टूर का ये वाला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा कि कैसे एक हाईली ट्यून्ड पेट्रोल ने एक पोशा 918 हाइपर कार को धूल चटा दी थी ड्रैग रेस के अंदर। खैर, निसान की जो पेट्रोल है उसकी अब तक 6 जनरेशन आ चुकी हैं, जिसमें की जो लास्ट जनरेशन है यानी कि 6th जनरेशन है, वो 2010 में आई थी और अभी मार्केट के अंदर इसका फेसलिफ्ट मिलता है। अब अगर मैं फिलहाल की बात करूं तो इस गाड़ी की जो सबसे बड़ी मार्केट्स हैं वो है UAE और ऑस्ट्रेलिया, जहां पर ये गाड़ी टोयोटा लैंड क्रूजर की 200 और 300 सीरीज को टक्कर देती हुई आई है। हाँ, पर अगर हम सेल्स की बात करें तो लैंड क्रूजर से ये हमेशा थोड़ी सी नीचे ही रही है, पर बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं। पर चलो, सेल्स तो एक बात रही, UAE के जो पेट्रो हेड्स है ना, उनके बीच में इस गाड़ी का कल्ट LC से भी ज्यादा बड़ा है और ऐसा इसके हाईली ट्यूनेबल एंड रिलायबल पेट्रोल इंजन की वजह से हो पाता है। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही था, लेकिन इस वीडियो को छोड़कर जाने से पहले आप मेरी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात सुन लो। अगर आप भी मेरी वीडियोस की जैसी स्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि रिसर्च कैसे करी जाती है, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं और वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल आर्गुमेंट्स क्या होती हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे कोर्स को खरीद सकते हैं। ये कोर्स आपको हेल्प करेगा बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग इंफोटेनमेंट वीडियोस के लिए स्क्रिप्ट लिखने में, और फिर चाहे आपका नीश कोई भी हो, बिजनेस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या फिर मेरी तरह ऑटोमोटिव, इससे आप हाईली एंगेजिंग स्क्रिप्ट लिखना सीख सकते हैं। और हाँ, अगर आप बाकी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए काम कर पैसे कमाना चाहते हैं तो भी ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ पर जाके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में ये ज़रूर बताइए कि जो 4-5 कल्ट SUVs है ना, पेट्रोल, LC और आपकी डिफेंडर वगैरह, इनमें से आपकी फेवरेट SUV कौन सी है। कमेंट्स में ज़रूर बताना।